चलिए आज हम लोग जो है एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफी का है, वो है भारत देश एवं बिहार राज्य की मिट्टी। तो भारत की भी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और बिहार के भी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, और यह टॉपिक बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में आप देखिएगा, बीपीएससी के एग्जाम में मिट्टी से रिलेटेड निश्चित तौर पे एक प्रश्न डालता है, और आपके भारत स्तर पे भी मिट्टी का प्रश्न डाला जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा उसकी भी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार राज्य की मिट्टी पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैप हम बिहार का भी दिखा दें, जिसमें किस किस प्रकार की मिट्टी बिहार में है। ठीक है, चलिए तब तक इमेज खुलता है। ये देखिए यहाँ पर है, तो ये दोनों टॉपिक साथ साथ पढ़ाने से यह फायदा होगा कि मिट्टी का आपके पास समग्र नॉलेज रहेगा कि कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हैंड रिटन ही है, लेकिन आपको अच्छे से हम समझा देंगे तो आपको याद रहेगा कि किस किस तरीका के मिट्टी बिहार में पाई जाती है और वहां से। लेकिन सबसे पहले हम लोग भारत के मिट्टी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, महाद्वीपीय भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी असंगठित चट्टानी परत के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो पत्थरों को, चट्टानों को टूटने फूटने या झरने से ही क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें आंशिक रूप से बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ भी रहते हैं और कार्बनिक खनिज कण भी रहते हैं, और साथ साथ उसमें वायु जल एवं जीव के भी अंश 50% रहते हैं। तो मिला जुला कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व मिट्टी में पाई जाती है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे पेडोलॉजी। यह भी पूछ सकता है, कई बार बीपीएससी इस तरह के भी प्रश्न को पूछता है, और वह बेसिक जरूर पूछता है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेसिक पर विशेष फोकस कीजिए। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, यानी मृदा विज्ञान। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, यानी भारत की मिट्टी कितने प्रकार की है, मेन रूप से 8 प्रकार की मिट्टी है। सबसे पहला मिट्टी बांटा गया है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी खास करके ये नदियों के किनारे रहती है, और जब नदी के बहाव के द्वारा जो मिट्टी नदी के किनारे लाई जाती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो नदियों के किनारे वाली मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी। यह मुख्यतः दो प्रकार का होगा, एक खादर दूसरा बांगर। तो जितनी नवीन मिट्टी होगी वह खादर कहलाएगी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी, बांगर कहलाएगी, आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी में खास करके कपास की खेती होती है, और वह आपको कहाँ मिलेगा, तो काली मिट्टी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उस साइड आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो काली मिट्टी में खास करके कपास की खेती होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में काली मिट्टी आपको पाई जाती है, और इसी कारण से आप देखे होंगे या जानते हैं कि वहां पे कपड़े का उद्योग बहुत ज्यादा है, क्योंकि कपड़े के उद्योग में कपास से ही कपड़ा का उद्योग चलता है, कपास से ही रुई बनता है, रुई से ही कपड़े बनते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, आगे चर्चा करेंगे, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैविक मिट्टी, वनीय मिट्टी। तो टोटल सीधा सीधी याद रखिए 8 प्रकार की मिट्टी है। अब आते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जो निर्मित होती है वह जलोढ़ मिट्टी है, और भारत का 40% भाग किस मिट्टी से बना हुआ है, तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो भारत का मैक्सिमम पार्ट क्या, कौन सी मिट्टी से बना है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना है, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं,
और दूसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर कहा जाता है। उर्वरता की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अगर कोई उपजाऊ मिट्टी है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये याद रखना है। गेहूं, मक्का, दलहन आदि जो फसलें उपजाई जाती हैं, ये सब जलोढ़ मिट्टी में ही उपजाई जाती है, ठीक है। अब आ जाइए काली मिट्टी, इस बार बीपीएससी में पूछा भी था काली कपासी मिट्टी, ठीक है, सब उसी को कहते हैं, रेगुर भी उसी को कहते हैं, काली कपासी भी उसी को कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की अधिक मात्रा होती है। किसमें? तो काली मिट्टी में। यह मिट्टी का रंग टीटानी फेरस मैग्नेटाइट लवणों के कारण काला होता है और इसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो ये सब एक ही मिट्टी है, वो है काली मिट्टी। और सबसे ज्यादा यह आपके कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आ जाइए लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के वजह से कायंत्रित शैल चट्टानों से होता है, उसके विघटन से होता है और इस मिट्टी में सिलिका और आयरन ज्यादा हो, और आयरन फेरस ऑक्साइड के कारण यह मिट्टी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। यह मिट्टी का जो अगर आप देखेंगे, अगर पानी के साथ मिलेगा तो यह पीला दिखाई देगा, ठीक है, और यह उर्वरता विहीन होती है, यानी उपजाऊ नहीं होती है। इसमें खास करके मोटे दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है, तो ये याद रखना है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर काली लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, चूने का। और लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल रंग उसका फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, और एक ग्रह है वो भी लाल है, कौन सा, मंगल, फेरस ऑक्साइड के कारण। अब आ जाइए लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी लाल खुरदरी मिट्टी है और यह पत्थरों के टूट फूट से बनती है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग मकान निर्माण में किया जाता है, खास करके ये मालाबार के यानी केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका की अधिक मात्रा है, और इस मिट्टी में चाय की खेती की जाती है, या काजू या मोटे अनाज कह सकते हैं। अगर पूछेगा कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयुक्त है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा क्या, लेटराइट मिट्टी। अब आ जाइए वनीय या पर्वतीय मिट्टी, खास करके हिमालय या जो पर्वत का एरिया है वहीं पे इस प्रकार की मिट्टी होगी, और यह दलदली टाइप की रहती है। पर्वतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी भाग प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, और बिहार में यह मिट्टी खास करके कहाँ पाई जाएगी, तो पश्चिम चंपारण में, ठीक है। वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पे निचलन के कारण यह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, अतः चाय की कृषि के लिए भी यह मिट्टी उपयुक्त है। इसीलिए आप देखिएगा असम का बगान पहाड़ी ढलानों पे होता है, क्योंकि चाय में खेती की विशेषता क्या, उसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, लेकिन वर्षा बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो खास करके पहाड़ी एरिया में क्या होगा कि वर्षा भी ज्यादा होता है, और जो आपका सीढ़ी नुमा खेत होता है तो पानी भी जड़ में टिकता नहीं है, इसी कारण चाय की खेती आपको पहाड़ी ढाल नुमा पे होता है, और बिहार में भी होता है किशनगंज में। इस बार एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बीपीएससी में पूछ दिया था 68 में। अब आ जाइए मरुस्थलीय मिट्टी, खास करके जो आपका मरुस्थल वाला पार्ट है, जैसे राजस्थान हो गया, या आपका पश्चिम हरियाणा है जहाँ वन नहीं है, या पंजाब है, या गुजरात है जहाँ पे वन का प्रतिशतता कम है, इन सब क्षेत्रों में वहाँ की मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी है, और इसमें बालू की अधिकता ज्यादा होती है, और यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, परंतु अगर इसको सींचा जाए तो इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है। नेक्स्ट आ जाइए लवणीय मिट्टी, जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा होगी, और यह अनुपजाऊ मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, खास करके जहां बहुत ज्यादा सिंचाई होता है वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है।
और इस तरह की मिट्टी जो है खास करके राजस्थान में भी बहुत ज्यादा सिंचाई हुआ, पंजाब में भी हुआ, तो वहां पे बहुत सारे क्षेत्र की मिट्टी क्या हो गई है, लवणीय हो गई है और वहां पे नाइट्रोजन और चूना की कमी रहती है। और इस मिट्टी का अधिकतर प्रसार आपका गुजरात में पूर्वी तट के डेल्टाओं में, पूर्वी तट यानी बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा, तो जहां पे पानी का बहाव होगा, तो चूंकि पानी जो है अपने साथ क्या होता है, समुद्र क्यों नमकीन होता है, क्योंकि वह पूरे पृथ्वी से होकर के गुजरता है नदी का पानी और वो जाकर के मिट्टी का लवणीय पार जाके समुद्र में मिला देता है, ठीक है। तो जहां पर इस तरह का सिचुएशन होगा वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, जहां पे ज्यादा पानी से सिंचाई होगा, हरित क्रांति हुआ राजस्थान पंजाब हरियाणा में, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हुआ तो वहां की मिट्टी भी क्या हो गई, लवणीय हो गई। तो ज्यादा जहां पानी जमा रहेगा वहां की मिट्टी लवणीय हो जाती है। जैव मृदा, यह मृदाएं भारी वर्षा एवं उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। यह मिट्टी निम्न मैदान एवं डेल्टाई प्रदेश के दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैंग्रोव वन बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। खास करके आप देखिएगा भारतीय महाद्वीप में आपका जो पूर्वी का एरिया है, यानी जैसे अगर हम मैप बना दें, जो आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, तो यहाँ का जो मिट्टी है इस एरिया का, तो यहीं पे आपका बंगाल की खाड़ी भी है और मैंग्रोव वन भी यहीं पे पाई जाती है, ठीक है, तो इसको जैव मृदा भी कहते हैं। अब मृदा संरक्षण का क्या उपाय है, वनीकरण यानी वन लगाइए। दूसरा है निर्वनीकरण, पशु चारण को नियंत्रित करना, पेड़ नहीं काटना है, या पशु चारण जो होता है वो उस करने से क्या होगा कि घास पशु खा गया तो उससे क्या होगा कि मिट्टी क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह भस जाती है। उसके बाद मेरबंदी करके, कंटूर कृषि करके, खास करके पहाड़ी एरिया में, उसके बाद मल्चिंग, फसल चक्र कृषि करके, बदल बदल करके, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई करके, जो आप फुहारेदार नहीं होता है पानी उससे सिंचाई करने से मृदा लवणीकृत नहीं होगा, ठीक है, और कम पानी में ही अच्छा कृषि होगा। झाड़ियों एवं घास लगा दीजिए, जहां जैसे बांध है वहां मिट्टी कट जाता है तो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधा या जंगल लगा देते हैं, उससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। उसके बाद ढाल के लंबा जुताई करने से भी मिट्टी का बहाव रुक जाता है, तो इस प्रकार से आप मिट्टी को बचा सकते हैं। अब आइए बिहार की मृदा, ये थी पूरे देश की मृदा, अब है बिहार की मृदा। यहाँ से बीपीएससी में बहुत ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम मैप को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा दें कि जिससे कि आप आ जाए, उसके बाद हम आप अच्छे से पढ़ा लेंगे कि कहाँ कौन सी मिट्टी है, क्या है, नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं, चलिए, थोड़ा उतना स्पष्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी दिख रहा होगा कहाँ पे कौन सी मिट्टी है। इधर का जो एरिया आपको दिख रहा है ये पर्वत पादीय मिट्टी है, और खास करके पश्चिम चंपारण के एरिया में पर्वत पादीय मिट्टी है, ये आपका पहाड़ी एरिया हिमालय का, तो इधर तराई वाली मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद इधर कौन सी मिट्टी है, खादर, गंगा का किनारे जो होगा वो क्या होगा, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, क्योंकि वो हर एक साल बहा करके पानी लाता है, खास करके कोसी का एरिया होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा, जहाँ हर एक साल बाढ़ आता है वहां पे कौन सी मिट्टी होगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। जहाँ बाढ़ नहीं आता है तो वहां पे आपकी बांगर मिट्टी होगी, पुरानी मिट्टी, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है, बांगर। और गंगा के किनारे किनारे दक्षिण गंगे के पाट में उसको बोलते हैं टाल, जो बोलते हो नहीं बोलते मोकामा टाल, तो उसको टाल मिट्टी कहा जाता है, कुछ एक लंबी चौड़ी पट्टी है जिसको टाल मिट्टी कहा जाता है, यानी जब पानी बढ़ता है तो वहाँ पानी जमा हो जाता है, फिर पानी घटता है तो सूख जाता है, तो एक फसल वहाँ पे होता है। उसके बाद बाकी जो पार्ट है ये सब जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आपका कौन सी मिट्टी है, तो यह है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको कैवाल और करेल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। यह कोना में आपका रोहतास कैमूर के तरफ जो मिट्टी है वो लाल बलुआ मिट्टी है, और इधर का जो एरिया है पूरा बलथर मिट्टी है, आपका बांका हो गया, इधर जमुई हो गया, लखीसराय हो गया,
जो पहाड़ी एरिया इधर क्या है, बलथर लाल मिट्टी है। तो एक प्रकार से बिहार का ओवरऑल आपने देख लिया। अब आते हैं थ्योरी पार्ट पे कि बिहार के मैदानी भागों को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए बिहार राज्य का लगभग 90% भाग में किस प्रकार की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और बिहार की मिट्टी को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा, तो उत्तरी बिहार का जो मैदानी मिट्टी है, ठीक है, उत्तर गंगा के मतलब गंगा के उत्तरी भाग में जिसको हम उत्तर बिहार कहते हैं वहां का, फिर दक्षिण बिहार का मैदानी मिट्टी और फिर दक्षिण का पठारी मिट्टी। क्योंकि इधर जब जाइएगा तो छोटा नागपुर का पठार है जो कि झारखंड में पड़ता है, तो इधर पठारी मिट्टी है, तो यही संकीर्ण मिट्टी जो है आपका पठारी मिट्टी है। और ये आपका उत्तर का मैदानी मिट्टी, दक्षिण का मैदानी मिट्टी, और इधर जो पट्टी है झारखंड से सटा हुआ वो हो गया दक्षिण का संकीर्ण पठारी मिट्टी। तो तीन प्रकार के मिट्टी है बिहार में जिसको भागा बांटा गया है। अब आइए उत्तर बिहार की मिट्टी में, सबसे यहाँ पे आ जाइए पहाड़ी एरिया में, नेपाल से सटा हुआ, तो वहां पे दलदली एवं तराई वाली मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी उत्तर सीमा के साथ पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर के कहां तक चला जाएगा, पूरम में किशनगंज, यहां पे आपका किशनगंज है वहां तक चला जाएगा। और वो पतला सा पट्टी है मतलब नेपाल बॉर्डर पर, बिहार और नेपाल बॉर्डर पे कौन सी मिट्टी होगी, अगर पूछेगा कि इनमें से किस जिला में जो है आपकी दलदली मिट्टी है, ऑप्शन दे देगा पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, तो क्या बोलेंगे, जो जो नेपाल, अगर सीतामढ़ी दे दे आपको, किशनगंज दे दे और आपको पश्चिम चंपारण दे दे, आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्या हो जाएगा एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको जिला पता ही कौन सा जिला बिहार में कहाँ है, पहले हमने मैप आपको शुरुआत में ही पढ़ा दिया था। उसके बाद आ जाइए इस मिट्टी का रंग क्या है, भूरा या पीला है, पर्वत पादिया जो मिट्टी है दलदली मिट्टी उसका रंग भूरा या क्या होगा, पीला। नवीन जलोढ़ मिट्टी खास करके जो भी नदियां हैं, गंगा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, इन सब नदियों के माध्यम से प्रति वर्ष बाढ़ भी आती है, आपको पता होगा। और जो बाढ़ आती है तो वो अपने साथ गाद भी लाती है नदी में, मिट्टी भी लाती है, तो वही मिट्टी क्या कहलाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगर आपका पूछ देगा कि पटना में या आपका बेगूसराय में या जो भी गंगा के किनारे है तो वहां पे किस प्रकार, या कोसी बेल्ट का पूछ देगा तो वहां पे नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या है, देखिए यह मिट्टी नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर, जहां बाढ़ नहीं आते, जो ऊंचा वाला पार्ट है, पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इस विकास के ऐसे क्षेत्र में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तराई दक्षिण में, कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया एवं सहरसा जिले में पाई जाती है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर क्या, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग में बांगर क्षेत्र का विस्तार समाप्त हो जाता है। बाल सुंदरी मिट्टी, यह मिट्टी नवीन जलोढ़ के बाद पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर के और सहरसा, दरभंगा, ठीक है, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में विस्तृत है। तो देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी ही बार बार पूछेगा, या आपको दलदली मिट्टी पूछेगा, या आपको बांगर पूछेगा, इसी में से कोई ना कोई पूछेगा, ठीक है। अब आ जाइए कगारी, तो कगारी मिट्टी कहाँ होगा, दक्षिण बिहार में, पहले हम बता दिए कगारी मिट्टी कहाँ होगा। बलथर मिट्टी भी आपको जो पठारी एरिया है बिहार का, जो झारखंड से सटा हुआ, उधर ही होगा। तो आप एक अंदाजा लगा के भी इसका आंसर बना सकते हैं, कौन सा जिला किधर है, वहां की मिट्टी कौन सी होगी। कगारी मिट्टी, कगारी मिट्टी खास करके क्या होगा कि गंगा के दक्षिणी तट, सोन, फल्गु और किउल नदी के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है, और यह मोटी कॉप मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। अब टाल मिट्टी, जहाँ पे वर्ष में आपको एक बार क्या होगा, पानी आएगा गंगा का, फिर वो चला जाता है, खास करके बक्सर से लेकर के भागलपुर के एरिया दक्षिण बिहार में ही है, उसको टाल मिट्टी कहते हैं, जैसे मोकामा टाल नाम सुने होंगे, खास करके इसमें दाल की खेती होगी, चना का हो गया, मसूर का हो गया, ये सब। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी, यह रोहतास और कैमूर में, आपको मैप में भी हमने दिखाया था कि लाल बलुई मिट्टी केवल रोहतास, यहाँ पे रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में, और यहाँ पे आपका शुष्क पर्णपाती वन भी है, यहीं पे आपका कौन सी मिट्टी है, तो लाल बलुई युक्त मिट्टी है, ठीक है। तो यहीं से आपका कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा, बांगर मिट्टी कौन सा जिला है, फसल कौन कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा आएगा खादर, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी में जैसे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर, गेहूं, धान, मक्का। खादर में कौन सा आ जाएगा? मुंगेर, चंपारण। तराई में मिट्टी में चंपारण बताए थे आपको, पहाड़ी एरिया किशनगंज तक। बलथर मिट्टी कैमूर के तरफ, छोटा नागपुर का पठार के तरफ, ये होगा बलथर। बाल सुंदरी केवल याद रखिएगा, सहरसा एवं पश्चिम चंपारण में यह बाल सुंदरी टाइप की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से बीपीएससी में निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।